तो आज आपको अस्तर वाली ब्लाउज़ की कटिंग बताएंगे बिल्कुल आसान तरीके से, जैसे कि आपने मेरी वीडियो में देखा है। तो देखिए, यहाँ पे अस्तर ले लेंगे हम और इसकी कटिंग बताएंगे बिना इंची टेप के। तो अगर आप पहली बार कपड़े पे कटिंग कर रहे हैं तो आप ऐसे भी कपड़े पे कटिंग कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए, यहाँ पे हमें अपने फिटिंग के अनुसार एक ब्लाउज़ लेना है जो हमारी फिटिंग का हो, और उसको हमें हुक हो या बटन उसको अच्छे से आगे की तरफ से बंद कर लेना है, फिर हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे आप ब्लाउज़ को ऐसे उठाएंगे और अच्छे से टू फोल्ड कर लेंगे। तो आप दोनों पार्ट का साथ में कटिंग कर सकते हैं या फिर अलग अलग कर सकते हैं। तो हम यहाँ दोनों पार्ट को साथ में ही कटिंग करते हैं। तो नीचे के साइड हम 1.5 इंच मार्जिन के हिसाब से छोड़ देंगे, उसके ऊपर हम ब्लाउज़ को ऐसे ही प्रेस करके रख देंगे और बंद भाग हमारा आगे होगा, जैसे कि आपको पता है। यहाँ पे दिखाते हैं। तो देखिए, आप चाहें तो दोनों पार्ट की कटिंग एक साथ कर सकते हैं या फिर अलग अलग कर सकते हैं। तो मैंने बहुत सारी वीडियो में दोनों पार्ट को साथ में कटिंग करके बताया है, और यहाँ पे हम आपको अलग अलग करके बताएंगे, तो आपको अच्छे से और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे आपको ब्लाउज को ऐसे नीचे के साइड, अगर फ्रंट पार्ट का है तो नीचे के साइड 2 इंच छोड़ दीजिएगा, और बैक पार्ट का है तो 1 इंच, क्योंकि नीचे के साइड हमारा जो बेल्ट है उसमें भी 1 इंच मार्जिन में जाता है, या फिर तुरपाई करनी है तो आप एक्स्ट्रा मार्जिन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें ऐसे रखते हुए निशान लगा लेना है चारों तरफ से। तो यहाँ पे आप फिटिंग की मतलब कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं, अगर आपको लूजिंग चाहिए तो आप उस हिसाब से यहाँ पे निशान लगा लीजिएगा 1 इंच छोड़ के। तो हमें एकदम निशान ऐसे ही लगाना है जितना हमारे ब्लाउज़ में है, टक्स वगैरह सब वैसे ही निशान लगा लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से है फ्रेंड्स, इसमें मैंने वीडियो को फॉरवर्ड नहीं किया है, जैसा मैंने वीडियो बनाया है सेम वैसे ही मैं अपलोड कर रही हूँ। तो यहाँ पे गले का निशान भी हम ऐसे ही लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो इसलिए ऐसा बनाते हैं ज़्यादातर क्योंकि कितने लोग ऐसे भी हैं कि उन्हें ना इंची टेप समझ में आते हैं ना पढ़े लिखे हैं, तो हर कोई भी इस वीडियो से सीख सकता है ब्लाउज़ की स्टिचिंग कटिंग, क्योंकि हमारा कटिंग ही मेन है। तो हम कटिंग जैसा करते हैं उस हिसाब से हमारी ब्लाउज़ बनती है। तो यहाँ पे देखिए, सारे टक्स का निशान हम ऐसे ब्लाउज़ को उठाकर लगा लेंगे। यहाँ पे हमें आर्म होल का निशान लगा लेना है, जो हमारी स्लीव जहाँ पे जॉइंट होती है। तो देखिए, यहाँ पे हमने निशान लगा लिया है। अब बेल्ट का जो निशान है सेम ऐसे ही निशान हम यहाँ पे लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इसी तरीके से आप घर बैठे सिलाई सीख सकते हैं और कटिंग कर सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं फिर भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप सीधा और सरल तरीके से स्टिचिंग सीख सकते हैं घर पे, और अपने ब्लाउज़ को अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो इसमें पूरा अच्छे से निशान लग गया है, इसलिए मैं कोई ऐसा वीडियो ज़्यादा नहीं बनाती हूँ कि जिससे आपको दिक्कत हो। तो यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे इतना मार्जिन ले लिया है। अब मार्जिन को छोड़ते हुए हम कपड़े को जैसे निशान लगाया है सेम वैसे ही हम कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की है, और बैक पार्ट की कटिंग आपको अलग से बताएंगे, ताकि आप जो बैक पार्ट में डीप गला हो या बराबर, आप उस हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट को हम काट के ऐसे ही निकाल लेंगे, उसके बाद बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो आप और भी मेरी वीडियो हैं जिसमें हम एक ही साथ फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की कटिंग किए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं, और नहीं तो इस हिसाब से भी आप कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लिए हैं। अब बाकी कपड़ा बचा है, इससे हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। अब फ्रंट पार्ट को हम लेंगे और बैक पार्ट के ऊपर ऐसे रख के, और जितना हमने नीचे मार्जिन एक्स्ट्रा छोड़ा था उसको नीचे की साइड रख लेंगे, और बैक पार्ट में मार्जिन हमें कम लेना है नीचे की साइड, क्योंकि हमें बेल्ट नहीं बनाना है, सिर्फ अंदर फोल्डिंग के लिए 1/2 इंच चाहिए, यानी कि 1/2 इंच। और यहाँ पे हम ऐसे रखते हुए कपड़े को प्रेस करते हुए इसको कट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे बैक पार्ट जो है उसको लेके हम यहाँ पे दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे आपको बस इसे चेक कर लेना है, इसको दोनों साइड का बराबर है, बस बैक पार्ट का हमारा 1/2 इंच ज़्यादा ही है। तो इस हिसाब से यहाँ पे गले का निशान लगा के हम कपड़े की कटिंग कर सकते हैं।
या फिर आप डायरेक्टली नाप ले सकते हैं, जैसे कि ब्लाउज को रख के, जैसे हमने फ्रंट पार्ट का यहाँ पे निशान लगा के कटिंग किया था, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ब्लाउज को लेंगे और इसको बैक पार्ट के साइड से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे ऐसे रख लेंगे, तो उस हिसाब से भी आप निशान लगा सकते हैं। और नीचे के साइड हमारा मार्जिन होना चाहिए जितना हमें चाहिए, और उसके बाद जो गले का निशान होगा लगा के हम गले की कटिंग कर लेंगे, और जो हमारा टक्स होगा बैक पार्ट का, वो टक्स का भी निशान हम लगा लेंगे और उसके बाद कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है, तो दोनों फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को साइड में रखेंगे। अब हम कटिंग करेंगे स्लीव की। तो यहाँ पे देखिए 1 मीटर का अस्तर था, लेकिन फिर भी ये साइज़ के हिसाब से बस इतना ही अस्तर बचा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो नीचे के साइड जो हमारा कपड़ा यहाँ पे अस्तर कम पड़ेगा, तो वहाँ पे हम ज्वाइंट लगाएंगे, तो इसलिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे स्लीव ऐसे रखिए और नीचे के साइड जो भी कम हो, तो आप उसमें जो अस्तर साइड से बचेगा उसको हम नीचे की तरफ से अटैच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको ऐसे रखना है आर्म होल की साइड से, और जितनी लंबाई चाहिए आप आगे बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अच्छे से इसको रखना है ब्लाउज़ के स्लीव को, और उसके बाद हमें निशान लगानी है, या फिर आगे की साइड से ही निशान लगा के देख लीजिए कि कपड़े मतलब नीचे के साइड कितना जोड़ना पड़ रहा है, कितना मार्जिन है, उस हिसाब से आप कटिंग करिएगा। तो यहाँ पे देखिए आगे के साइड से थोड़ा मार्जिन हमें ज़्यादा मिल रहा है, तो इसलिए हमने स्लीव को आगे रख लिया है यहाँ पे देख लीजिएगा, और बाकी का जो मार्जिन है यहाँ पे हम और ज्वाइंट करेंगे। बिना ज्वाइंट किए इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये ब्लाउज़ हमारा 44 साइज़ का है, तो आपको तो पता ही होगा 44 साइज़ कम नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें स्लीव को कट कर लेनी है। तब यहाँ पे हमने स्लीव की कटिंग कर लिया है। अब यहाँ पे जो बाकी का अस्तर बचा है आप देख सकते हैं, इसको हम लेंगे यहाँ पे और नीचे के साइड हम यहाँ पे 4 फोल्ड करके लगा लेंगे। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे जॉइंट लगा सकते हैं जितना आपको मार्जिन चाहिए। देखिए हमने कपड़े को साथ में रख लिया है इसको, और नीचे के साइड हम उतना ही मार्जिन लेके यहाँ पे बना लेंगे। तो अब यहाँ पे हम फैब्रिक की कटिंग करेंगे, जो कि देखिए इस पे वर्क है, तो हमें यहाँ पे इसकी कटिंग करनी है। तो हमें सेम अब ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे फ्रंट पार्ट की फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग करनी है, तो इसके लिए हम कपड़े को लेंगे और हमें इस साइड से ऐसे फोल्ड करना है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि हमारा कपड़ा है किस हिसाब से है, और हमें किस हिसाब से फोल्ड करके कैसे कम कपड़े में हम कटिंग करें और सिलाई करें। क्योंकि हमें साइज़ बड़ा कटिंग करना होता है तो कपड़ा कम पड़ जाता है, तो हम एक ही बार में कट नहीं कर पाते हैं, तो हमें अपने हिसाब से उसमें दिमाग लगा के कटिंग करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको इस साइड से यहाँ से अच्छे से फोल्ड करनी है। तो यहाँ पे हमें बैक पार्ट के जो अस्तर है उसको लेने हैं, और यहाँ पे आपको ऐसे रखना है इसको, जैसे जिधर हमारा बंद भाग है आपको उसी तरफ बंद भाग रखना है, और उसके बाद सेम जैसे हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग करी थी आपको ऐसे ही इस पार्ट का भी कटिंग कर लेना है। तो नीचे के साथ जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा उसको भी हम कट कर लेंगे, और हमें सीधे सीधे जैसा है वैसा ही कट करना है। आपको मैंने पूरा डिटेल में बताया है कटिंग करने का आसान तरीका, इससे आसान आपको कोई नहीं बताएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको सेम पहले नीचे के साइड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करके निकाल लेंगे, और उसके बाद हमें ऐसे ही पूरी कटिंग कर लेनी है।
तो यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट बैक पार्ट दोनों की कटिंग कर ली है और स्लीव की भी कटिंग कर ली है। तो बाकी बचा पाइपिंग, तो अगर आप पाइपिंग लगाना चाहें तो आप पाइपिंग की भी कटिंग कर सकते हैं या फिर गले को पलटकर भी बना सकते हैं अस्तर वाले ब्लाउज में हम। तो यहाँ पे हम बिना पाइपिंग के बनाएंगे, हम पलटकर बनाएंगे, तो इसलिए तो यहाँ पे हमने सारी कटिंग कंप्लीट कर ली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट पार्ट बैक पार्ट और स्लीव, सारी कटिंग की डिटेल हमने अच्छे से आपको बताई है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा और हम आपकी कमेंट का इंतज़ार करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।